हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमिकसिन सल्फेट इंजेक्शन। हम जानेंगे इस इंजेक्शन का यूज़ क्या है, ये हमारी बॉडी के किन किन डिजीज़ में हम इसका यूज़ करते हैं, इसकी डोज क्या रहती है, देन साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं। सो इन सब के बारे में हम जानेंगे, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे एमिकसिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में क्या है। तो एमिकसिन इंजेक्शन यूज टू ट्रीट सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन मे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सो इसका जो यूज़ होता है हमारी बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, सीरियस इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, देन उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। दिस मेडिसिन फॉर शॉर्ट टर्म्स यूज़ ओनली 7 to 10 days। इसका जो हमारा जो इसका जो यूज़ होता है, ये क्या शॉर्ट टर्म यूज़ होता है इसका 7 to 10 days के लिए। एमिकसिन बिलोंग टू द क्लास ऑफ मेडिसिन नोन एज अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। सो इट वर्क बाय किलिंग बैक्टीरिया प्रिवेंशन देयर ग्रोथ। तो ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया है उनको किल करता है और उनकी ग्रोथ को क्या है, रोकता है, ताकि बॉडी में ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं बढ़े, नहीं फैले। सो आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ये वर्क कैसे करते हैं। हाउ टू यूज़ एमिकसिन सल्फेट ऑयल। द मेडिसिन यूज गिविंग बाय इंजेक्शन इनटू अ वेन और मसल्स एज डायरेक्टेड बाय योर डॉक्टर। लेकिन जो इंजेक्शन है वो डायरेक्ट हमारी वेन और मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। इट इज़ यूजली गिविन एवरी 2 hours to 8 hours और एज अ डायरेक्ट बाय योर डॉक्टर। द डोज इज़ बेस्ड ऑन योर मेडिकल कंडीशन। इसकी जो डोज जो रहती है वो डिपेंड करती है मेडिकल कंडीशन पर, वेट एंड रेस्पॉन्स, ट्रीटमेंट, लेबोरेटरी टेस्ट, किडनी फंक्शन और आपका ब्लड लेवल जो है। अब हम बात करते हैं तो ये कैसे वर्क करती है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में देख लेते हैं। गाइस, एक चीज़ मैं आपको अब क्लियर कर देती हूँ, कोई भी मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है। अगर कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर की सलाह से आप लेते हैं, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो इसमें आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, स्टमक अपसेट हो सकता है, पेन हो सकता है, इरीटेशन हो सकता है, आइज़ में जो आपको दिक्कत देखने को मिलेगी वो रेडनेस की देखने को मिलेगी, इचिंग भी हो सकती है आपको। आपको क्या है, वीकनेस भी हो सकती है। तो ये इस तरह के अगर आपको क्या है इसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिएगा। बात करते हैं हम इसके प्रिकॉशन की। प्रिकॉशन क्या है, इसको यूज़ करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने डॉक्टर को बताइएगा। अगर आप पहले से भी कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं देन अपने डॉक्टर को उसके बारे में बताइए, प्रॉपर हिस्ट्री दीजिएगा। अगर इस मेडिसिन को लेने से आपको एलर्जी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिएगा। गाइस, को भी मेडिसिन या इंजेक्शन कभी भी ओवरडोज नहीं लेना है। दूसरे एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ, को भी मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें। किसी भी तरह के वीडियोस को देखकर सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करनी है। जो वीडियो है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, अगर आपका इस तरह का कोई भी इंजेक्शन आप ले रहे हैं तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।